नमस्कार, मैं लिथुमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। ईसाइयों का महापर्व कहे जाने वाला ईस्टर संडे यूपी की राजधानी लखनऊ में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भगवान यीशु मसीह के पुनर्थान दिवस की धूम देखने को मिला। लखनऊ की सड़कों पर बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय से जुड़े धर्म प्रेमियों ने हाथों में कैंडल लेकर चर्च में प्रभात फेरी निकालते हुए ईस्टर प्रार्थना सभा में भाग लिया और मानव कल्याण की कामना की। क्रिसमस डे की तरह ही गुड फ्राइडे और ईस्टर भी ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है। जहां गुड फ्राइडे को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, वहीं ईस्टर संडे एक खुशी का दिन है। यह दिन बेहद खुशी का मौका होता है और गुड फ्राइडे के बाद आने वाले संडे अर्थात रविवार को ईस्टर मनाया जाता है। जहां गुड फ्राइडे ईसा मसीह के बलिदान और त्याग से जुड़ा दिन है, वहीं ईस्टर ईसा मसीह के उद्धार की खुशखबरी का मौका है। इस दिन लोग विभिन्न प्रकार के अंडों को सजाते हैं और एक दूसरे को तोहफे में अंडे देते हैं। ईसाई धर्म के प्रेमियों का मानना है कि ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया, तब 3 दिन बाद संडे के दिन वह पुनर्जीवित हो उठे। फ्राइडे के 3 दिन बाद ईस्टर डे मनाया जाता है। ये दिन ईसाइयों के लिए, उनके अनुयायियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इन लोगों का कहना है कि जो गुड फ्राइडे है वो प्रभु यीशु के बलिदान का दिन है। उस दिन उनके बलिदान को याद किया जाता है और उसके ठीक 3 दिन बाद यानी कि ईस्टर डे के दिन प्रभु यीशु ने फिर से जन्म लिया था और उसी को लेकर के आज यानी ईस्टर डे के दिन ये लोग जो है ईसाई धर्म के लोग वो रैली निकालते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, बाइबिल पढ़ते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। आप देखें किस तरीके से ये लोग सड़कों पर निकले हुए हैं और इनके पास एक गीत है जिसको गा करके ये लोग अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोगों से पूछते हैं फादर देखिए अभी गीत पढ़ रहे हैं ये लोग, इसमें बीच में बोला नहीं जाता तो कहीं ना कहीं इसी चलते ये नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से प्रभु यीशु को कहा जाता है कि वो बलिदान का उनका दिन था गुड फ्राइडे के दिन, उसके ठीक 3 दिन बाद ईस्टर डे यानी कि संडे के दिन प्रभु यीशु ने फिर से जन्म लिया था और उसी के उपलक्ष्य में ये ईस्टर डे मनाया जाता है। बता दें आपको कि प्रभु यीशु को कहा जाता है कि वो शांति, प्रेम और पर्व के एक बहुत अच्छे अनुयायी थे, जिसके चलते उनके साथ कई चीज़ें हुई और उन्होंने अपने मानने वालों के लिए एक मिसाल कायम करी। उन्होंने ये साबित किया 3 दिन बाद फिर से जन्म लेकर के कि मृत्यु ही अंतिम सच नहीं है, उसके बाद भी एक सच है जिसको उन्होंने दिखाते हुए, और उसी चलते 31 मार्च की आज की तारीख जिस दिन आज ये गुड ईस्टर डे मनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि प्रभु यीशु जो है वो प्रेम और शांति के मसीहा माने जाते थे। धार्मिक कट्टरपंथियों को ये बात नहीं रास आई थी, इसीलिए उन्होंने दुनिया को प्रेम और करुणा का संदेश देने वाले प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ा दिया था। जिस दिन वो सूली पर चढ़ाया गया था उस दिन का दिन था शुक्रवार यानी कि गुड फ्राइडे। जब प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया तो उनके अनुयायी निराश हो गए, उनके बलिदान दिवस को गुड फ्राइडे के रूप में मनाने लगे। हालांकि उसके 3 दिन बाद यानी रविवार को प्रभु यीशु फिर से जीवित हो उठे और उनके अनुयायियों में खुशियों की लहर जुड़ गई। तब से ही ईसाई धर्म ईस्टर के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाता है। साथ ही साथ इस दिन अंडों का खास महत्व रहता है, क्योंकि ईस्टर पर अंडों का विशेष महत्व है। इस दिन कहा जाता है कि अलग अलग तरह के तरह से जो है लोग अंडों को सजाते हैं और एक दूसरे को अंडे गिफ्ट करते हैं। दरअसल ईसाई धर्म के लोग ये अंडे इसलिए गिफ्ट करते हैं एक दूसरे को क्योंकि उनका मानना है कि नया जीवन और उमंग का प्रतीक है अंडा, इसलिए कहीं ना कहीं एक दूसरे को दे करके खुशी जाहिर करी जाती है। आपको बता दें कि ईस्टर के पर्व को ईसाई धर्म के लोग पूरी धूमधाम के साथ मनाते हैं। सड़कों पर आप जिस तरीके का नज़ारा देख सकते हैं, बड़े पैमाने पर यहाँ पे तमाम फादर मौजूद हैं और जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो मौजूद है और सड़कों पर एक चर्च से निकल के दूसरे चर्च जाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं और पूरे हर्षोल्लास के साथ ईस्टर डे का जश्न मनाते हैं। जिस तरीके से तमाम धर्मों में बड़े त्यौहार माने जाते हैं, उसी में कहीं ना कहीं जो ईसाई धर्म का ये त्यौहार है ईस्टर डे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। विजय के साथ अशर स्टार हॉर्नबिल टीवी लखनऊ। तूफान ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के कुछ हिस्सों में तबाही मचा दी जब बारिश और हेलस्टॉर्म इस क्षेत्र में आई, जिससे जीवन और संपत्ति पर प्रमुख हानि हुई। 31 मार्च को मौसम की क्रोध में 5 लोगों ने जान गंवा दिया और अधिकतम 170 घायल हो गए।
JGMCH मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि कल मिलाकर 49 लोग भर्ती किए गए हैं और अधिकतम 170 रोगी आपातकालीन विभाग को रिपोर्ट किए गए हैं। एक्स से बात करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रभावित परिवारों को सहायता और उनके लिए मुआवजा का आश्वासन दिया है। उन्होंने जलपाईगुड़ी का दौरा किया ताकि स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके और अस्पताल में पीड़ितों से मिले। पश्चिम बंगाल गवर्नर सीवी आनंद बोस ने जलपाईगुड़ी में तूफान से निपटने के लिए राजभवन में एक आपातकालीन सेल का भी स्थापित किया। अचानक से जोर से हवा आया, उसके बाद जितना झाड़ हुआ पूरा टीन पूरा उड़ गया है, एक आदमी उधर मर गया और बहुत नुकसान हुआ इधर। कितना नुकसान हुआ है आप लोगों का? तो होटल का तो बहुत नुकसान हुआ, सब होटल ही पूरा होटल एकदम खत्म हो गया, घर वाली तो 15-20 लाख तो हो गई। तूफान के वजह से बहुत जो नुकसान हुआ, जितना मकान था मकान ढह गया और बहुत सारे कैजुअल्टी हुआ यहाँ पे अब तक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश कवेरी बवेजा के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह निर्णय दिल्ली एक्साइज नीति के पैसे प्रवाह मामले में उसके न्यायालय में अवधि समाप्त होने के बाद आया। न्यायालय में पहुंचने पर केजरीवाल ने पीएम मोदी की अनुचित क्रियाओं को आलोचना किया। प्रशासनिक निदेशक ईडी ने उसे मजबूत सुरक्षा के तहत न्यायालय में पहुंचाया। ईडी ने केजरीवाल के लिए न्यायिक हिरासत की अनुरोध किया, कहा कि इस समय आगे की पूछताछ अनावश्यक है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने ईडी की प्रतिनिधित्व किया। केजरीवाल ने अपनी तिहाड़ जेल में समय के दौरान निर्धारित दवा और कई पुस्तकें जैसे कि भगवद गीता और रामायण ले जाने की अनुमति ली। उनके न्यायालय में प्रस्तुति से पहले उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल साथ ही दिल्ली के मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और आतिशी भी राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद थे। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामलीला मैदान, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामलीला मैदान, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। IPL क्रिकेट शुरू होते ही ऑनलाइन सट्टा लिखने वाले सक्रिय हो जाते हैं, जिससे लेकर पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पाटिल द्वारा सभी राजपत्रित पर्यवेक्षण अधिकारी एवं थाना चौकी प्रभारियों को मुखबिर सक्रिय कर इस सामाजिक अपराध पर अंकुश लगाने प्रभावी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में पिछले 2 दिनों से जिले में सट्टा पट्टी लिखने वालों पर अभियान स्तर पर कार्यवाही जारी है। बीते रात कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 व्यक्तियों को IPL क्रिकेट मैच पर बॉल टू बॉल ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा नोट करते पकड़ा गया है, जिनसे सट्टे पर लगा 20,000 नगद, 7 नग मोबाइल, 1 लैपटॉप जब्त किया गया है। वहीं खरसिया पुलिस ने कल 3 व्यक्तियों को, चक्रधर नगर पुलिस ने 2 व्यक्तियों को सट्टा पट्टी लिखते पकड़ा और शनिवार 29 मार्च को कोतवाली पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 4 आरोपियों को सट्टा पट्टी लिखते पकड़ा गया। इस प्रकार पिछले 2 दिनों में रायगढ़ पुलिस ने 12 अपराधियों को सट्टा पट्टी लिखते पकड़ा, जिनसे नगद 40,910 रुपये, 12 नग मोबाइल, 1 लैपटॉप की जब्ती की गई है। आरोपियों से जब्त हुआ सट्टा रकम और मोबाइल लैपटॉप का वर्तमान बाजार मूल्य करीब 1,61,910 आंका गया है। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिला रहे आरोपियों पर छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्यवाही किया गया है। जुआ सट्टा की जद में अधिकतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग आते हैं और फिर इसके आदि होकर घर में झगड़ा, मारपीट, चोरी जैसे अपराध करने लगते हैं, जिससे लोगों को दूर रहना चाहिए। पुलिस अधीक्षक के इस सामाजिक अपराध को पूर्णतः निषेधित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसी क्रम की एडिशनल एसपी नगर पुलिस अधीक्षक, डीएसपी साइबर सेल, एसडीओपी खरसिया के मार्गदर्शन पर सट्टे के विरुद्ध की गई कार्रवाई में प्रशिक्षु आईपीएस नगर, निरीक्षक थाना प्रभारी कोतवाली, थाना प्रभारी चक्रधर नगर एवं चौकी प्रभारी खरसिया, उप निरीक्षक एवं उनके स्टाफ की विशेष भूमिका रही है। पूरा मामला क्या कार्रवाई? रायगढ़ पुलिस के द्वारा लगातार जुमा सट्टा पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पिछले दो दिनों में लगातार 12 प्रकरण 12 आरोपियों के खिलाफ किया गया है, जिसमें 3 प्रकरण ऑनलाइन गैम्बलिंग से है। 3 आरोपी हैं जिनसे करीब 40,910 रुपये जब्ती की गई है और एक लैपटॉप और 12 नग मोबाइल जब्ती की गई है। कहाँ का प्रकरण है सर? एक प्रकरण थाना कोतवाली, हाँ थाना कोतवाली के 7 प्रकरण हैं और चक्रधर नगर के 2 प्रकरण और खरसिया के 3 प्रकरण। लगातार इस पर कार्रवाई जारी है? हाँ, लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है और आगे भी जारी रहेगी। इस पर सर क्या कार्रवाई होगी आगे, क्योंकि देखा जाए तो मेन जो पार्टी रहती है उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है? नहीं, लगातार कार्रवाई की जाएगी और जो विवेचना में आगे और जो आरोपी होंगे लिंक इनके जुड़ते जाएंगे उन पर प्रभावी कार्रवाई रायगढ़ पुलिस के द्वारा की जाएगी। बेरहमी से मारपीट का मामला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। दर्री थाना में एक मामले में वांछित आरोपी ने नहीं मिलने पर उसके भाई के साथ की गई मारपीट के मामले में प्रशिक्षु डीएसपी व दर्री अविनाश कंवर को एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय अटैच कर दिया है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने सोशल मीडिया में प्रसारित इस मामले को गंभीरता से लेते हुए टीआई को तत्काल प्रभाव से दर्री थाने से हटा दिया। मामले की जांच कोरबा एएसपी यूबीएस चौहान करेंगे। हालांकि दर्री सीएसपी ने संबंधित पीड़ित को भी आदतन अपराधी होना बताया है। दिखा दिखा इधर। ऐसा क्यों मारा गया इसको? आपको क्यों मारा गया? ऐसे क्यों मारा गया? आपकी गलती क्या थी? मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे को ले क्या क्या थे आप? मेरे भाई को लेने आया था थाना। हाँ, ए घर। हाँ, वो नहीं था तो मेरे को बोले तुम बैठो। हाँ, गाड़ी में बैठ। किसने मारा आपको? अविनाश कंवर जी जो है यहाँ के टीआई मारे। हाँ, खुद उन्होंने मारा आपको? ठीक है ठीक। मेरे को जबरन का मारा गया है। एक प्रशिक्षु है आया अविनाश कंवर। हाँ, जबरन का मेरे को मारा है भाई। मेरे भाई को लेने आए थे लोग। मैं बोला सर नहीं है, सर आइए घर देख लीजिए। मैं बोला घर भी दिखाया हूँ। हाँ, तो तुम बैठो बोलता, मैं क्या गलती किया हूँ भाई? हाँ, तो आया मेरे को रूम में बंद करके बहुत मारा है पट्टा पट्टा। अविनाश कंवर जी? अविनाश कंवर जो टीआई है, इसको मैं तो बोलता हूँ कि ये मनोरोगी है। ये पता है ऐसे लोगों को पुलिस से प्रशासन से हटाया जाए। मैं निवेदन कर रहा हूँ। मामला सामने है, पूरा मामला क्या है, किस तरह से उसकी कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया में एक व्यक्ति के साथ थाना प्रभारी दर्री द्वारा मारपीट का एक वीडियो जैसे ही वायरल हुआ है, पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आते ही पुलिस अधीक्षक के द्वारा उस घटना की प्राथमिक जांच के लिए मुझे आदेशित किया गया है। मेरे द्वारा प्रारंभिक जांच प्रारंभ कर दी गई है और साथ ही परीक्षाधीन पुलिस उप अधीक्षक को थाना दर्री से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में संबद्ध कर दिया गया। मारपीट की क्या पुष्टि की जा रही है? अभी जांच जारी है, मेडिकल कराया गया है और जो जानकारी मिली है उसकी उसे एक शिकायत के जांच में बुलाया गया था। जांच के बाद ही अंतिम रूप से कुछ बताया जा सकता। नगर निगम ने हाउस टैक्स वसूली में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में टैक्स वसूली का आंकड़ा 400 करोड़ के पार पहुंच गया। 31 मार्च की रात 10 बजे तक कुल करीब 425 करोड़ रुपया हाउस टैक्स जमा हुआ, जबकि नगर निगम ने इस मद में कुल 413 करोड़ की वसूली का लक्ष्य तय किया था। यही नहीं, आखिरी दिन रविवार को छुट्टी के बावजूद खुले नगर निगम के काउंटरों पर 4,075 मकानों का करीब 25 करोड़ रुपए टैक्स जमा हुआ। इस बार हाउस टैक्स वसूली के लिए नगर निगम अफसरों ने पूरे साल अभियान चलाया और लगातार समीक्षा की। गाही वजह
रही कि नगर निगम ने हाउस टैक्स वसूली में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन जोन 4 और जोन 8 ने किया। इसके उल्ट जोन 2 और जोन 5 में सबसे कम टैक्स वसूली हुई। सबसे ज़्यादा हाउस टैक्स वसूली करने वाले इंस्पेक्टरों को अप्रैल में सम्मानित किया जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा टैक्स जोन 4 के टैक्स इंस्पेक्टर इमरान ने वसूला है। इसी तरह जोन 8 में टैक्स इंस्पेक्टर DM दबे सच से आगे रहे। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि बेहतर काम करने वाले टैक्स इंस्पेक्टरों के साथ सभी जोनल सम्मानित किया जाएगा। लखनऊ नगर निगम गृह विभाग के द्वारा शहर से 425 करोड़ रुपए की वसूली की गई। कल 31 मार्च आखिरी डेट थी क्लोजिंग की, और उसमें नगर निगम विभाग के द्वारा लगातार टैक्स शहर से टैक्स वसूली का काम था वो जोर शोर से चल रहा था, और लगभग जो नगर आयुक्त के द्वारा टारगेट रखा गया था वो कहीं ना कहीं छू लिया गया। आपको बताऊं पिछले साल 339 करोड़ रुपए वसूले गए थे और इस बार 425 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। आपको बता दूं जोन 4 टॉप किया है टैक्स वसूली में, वहां से जोन 4 से 92 करोड़ रुपए वसूले गए हैं, वही जोन 8 से 83 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। इसी को लेकर सभी जोनों में जश्न मनाया गया। सबसे ज़्यादा जोन 4 और जोन 8 में जोनल अधिकारियों के द्वारा जश्न मनाया गया और केक काटा गया, क्योंकि नगर आयुक्त ने जो लक्ष्य रखा था वो कहीं ना कहीं गृह विभाग के द्वारा वो लक्ष्य छूने का प्रयास किया गया और उनकी टीम के द्वारा जोर शोर से काम किया गया। इसी को लेकर शहर के विकास के लिए लगातार नगर आयुक्त के द्वारा जो टैक्स वसूली का काम था वो लगातार जारी था, और उनको लगातार इसको लेकर बैठकें भी की जा रही थी कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, वो नगर निगम टीम के द्वारा करके दिखाया गया। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल TV, लखनऊ। छत्तीसगढ़ के प्रथम चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव सबसे पहले बस्तर में होंगे और 29 अप्रैल को लोकसभा बस्तर सीट में मतदान किया जाएगा। वहीं मतदान को लेकर जिला निर्वाचन आयोग ने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर दी हैं। ऐसा पहली बार होगा जब जगदलपुर के सभी मतदान केंद्रों में महिला कर्मचारियों के द्वारा मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। शहर के 101 मतदान केंद्रों के अलावा जिले के कुल 125 मतदान केंद्रों में 100% महिला अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा वोटिंग कराई जाएगी। बता दें कि जिले में जगदलपुर, चित्रकोट, बस्तर और नारायणपुर विधानसभा का आंशिक हिस्सा के कुल 760 मतदान केंद्र आते हैं। जगदलपुर शहर में 101 मतदान केंद्र, बस्तर नगर पंचायत के 14 और जिले के सभी विकासखंड मुख्यालय के मतदान केंद्रों को संगवारी मतदान केंद्र बनाया जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में जिला निर्वाचन आयोग के द्वारा जिले के प्रत्येक विधानसभा में 5-5 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां महिला अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई गई थी। वहीं अब लोकसभा चुनाव में महिला कर्मचारियों के कंधों पर 125 मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी होगी और मतदान की प्रक्रिया समझाने के लिए इन महिला कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण देने की शुरुआत भी शुरू कर दी गई है। वहीं मतदान को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि महिलाओं को मतदान की जवाबदारी दी जा रही है और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि महिलाएं एक बार फिर मतदान की प्रक्रिया को पूरा कर सकें। मैं बस्तर निर्वाचन क्षेत्र से, हमारे जिले की अगर बात करेंगे तो 760 बूथ हैं, जिसमें हमारे नगर निगम क्षेत्र के 101 मतदान केंद्र, नगर पंचायत बस्तर के 14 और हमारे ब्लॉक मुख्यालय के बचे हुए, जो ब्लॉक मुख्यालय में जो जितने भी मतदान केंद्र हैं वहाँ पर इस बार महिला कर्मियों के द्वारा मतदान कराया जाएगा। पूरे ज़िले की अगर बात करेंगे तो 125 मतदान केंद्र ऐसे होंगे जिसमें 100% महिलाओं के द्वारा मतदान कराया जाएगा। सर, पहला दिन का प्रशिक्षण है, आज से शुरू किया गया है, काफ़ी उत्साह दिख रही है। खास करके पिछली बार ज्ञात होगा आपको, विधानसभा निर्वाचन के समय में हम लोग
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 बूथों को संगवारी मतदान केंद्र के रूप में घोषित किया था। साथ ही साथ में हमारी जो मतगणना की पूरी प्रक्रिया जो है हम लोगों ने महिला कर्मियों के द्वारा करवाया था। उस समय जो लगातार इनकी जो संवाद हुई थी और इनके द्वारा जो विश्वास जो हमको दिलाया गया था कि हम लोग इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इस बार अर्बन एरियाज़ में जितने भी हमारे मतदान केंद्र हैं वहाँ पे 100% महिलाओं के द्वारा मतदान करवाएंगे। और प्रथम चरण का जो प्रशिक्षण जो है पीटासीनों का और P1 का जो प्रशिक्षण आज जो हो रही है, काफ़ी उत्साह दिख रही है। मुझे संपूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से अभी तक हमारे पुरुषकर्मी जो करके आते थे उससे बेहतर हमारे महिला कर्मी जो है करके आएंगे। कुल कितने कर्मचारी? 125 मतदान केंद्र के हिसाब से 4 जोड़ेंगे तो प्लस रिजर्व जोड़ेंगे, लगभग 600 महिला कर्मचारी जो है इस बार मतदान के प्रक्रिया में शामिल है। ऑल ओवर सर सभी मिला 760 मतदान केंद्र का देखेंगे, सभी पुरुष महिला सब मिलाते हुए देखेंगे तो लगभग 3,500 प्लस रिजर्व 4,000 के लगभग करीब रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल TV।